रेल लग गई, बहुत ही मजा आ रहा है। पता नहीं जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, बट मजा बहुत आ रहा है। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वेरियंट मैनल। फॉर फाइनली हमने डुकाटी V4 स्पैनिंग कैले को पूरा जोड़ दिया है। देखो, बहुत सारे मोटो व्लॉगर अपने बनते होंगे कि हम मोटो व्लॉगर हैं, ये है वो है, बट मैं बताना चाहूंगा कि जब तक तुमने अपनी बाइक को खुद नहीं खोला और खुद नहीं जोड़ा, तो गाइस सबसे पहले हमने इसका सीट कवर निकाला यहाँ ऊपर की 2 पिन से। अब इसके हम टैंक प्लेट कवर निकाल रहे हैं और ये वाले नट हमने ढीले कर दिए। उसके बाद साइड फेयरिंग यहाँ से खोलेंगे, उस तरफ से खोलेंगे, ये आउट करेंगे बैटरी बॉक्स। उसके बाद जाके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कार्रवाई होती है। मेरे पास यहाँ पे फ़ोन रखने कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में ऐसे खोल के आप लोगों को सिखाता रहूँगा कि भाई कैसे करना है, क्योंकि भाई ये पार्ट्स आ रखे हैं अभी खुद ही जोड़ने, पता नहीं कब आएगा कोलकाता से राजा भैया। उससे पहले भाई बाइक चलानी है, तो अब जिद पकड़ी है तो करना है यार। तो गाइस ये बैटरी कवर भी खोल दिया ये वाला, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे ताकि उसके बाद हम फिर ये टैंक खोल सके और फिर नीचे एग्जॉस्ट पाइप जुड़े। और ये भी खोल दिया, बेस प्लेट अभी ऐसा दिख रहा है। तो भाई जैसे आप देख सकते हो बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और इस पर कवर बांध दिया ताकि ये कहीं भी कनेक्ट होकर शॉर्ट ना हो। अभी हमने साइड फेयरिंग खोलनी है, यहाँ से 2 फेयरिंग निकालनी है, उधर से 2 निकालनी है, और ये हमारा टैंक आउट हो जाएगा। फिर हमें इस पे जो शीट हीट शील्ड को पूरा कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें स्पेस मिल जाएगी काम करने के लिए। तो भाई देखो अब चल रहा है, भाई घर पे ही कर रहे हैं क्योंकि प्यार है इन चीज़ों से, अच्छा लगता है करना। खोल दी तो खोल दी यार। तो गाइस फाइनली हमने अंडर बेली पूरा कुछ खोल लिया, अब ऊपर वाली फेयरिंग खोलनी है जिससे हमें फिर टैंक का एक्सेस मिल जाएगा। भाई रेल लग गई है, भाई मज़ा आ गया, रेल लग गई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। पता नहीं जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, बट मज़ा बहुत आ रहा है। तो गाइस फाइनली मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम आई, जो 4 साल हमने अपनी मरवाई उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं थोड़ा बहुत मैकेनिकल इंजीनियर बन गया हूँ। हमने फाइनली टैंक खोल दिया, ये रखा है टैंक। अभी ये जो एग्जॉस्ट है इसकी हम फिटिंग करेंगे प्रॉपर। ये सामान पड़ा है, एक शील्ड कवर्स, उसके बाद ये कार्बन फाइबर वाले, उसको इसमें लॉक करेंगे, बॉडी कवर को इसे अटैच करेंगे, थोड़ा सा क्लीन करते हैं बिकॉज बहुत टाइम से नीचे खुला नहीं है। स्पार्क प्लग वगैरह खोलने की मेरे में हिम्मत नहीं क्योंकि टैंक ही बहुत मुश्किल से खुला और ऐसी लग रही है भाई। और उसके बाद जब रेडी हो जाएगी फुल कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर एग्जॉस्ट शील्ड कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर, बस विंग्स भी सोच रहा हूँ कार्बन फाइबर कर दूँ। आप कमेंट में बताओ कि विंग्स को कार्बन फाइबर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये चेंज करना है हमने। बढ़िया बन जाएगी भाई, और एक बार वो सुपर वगैरह के विंग्स आ गए फिर तो भाई इंडिया में मैं नहीं मानता, मैं मानूंगा ही नहीं इंडिया में। तो फाइनली पूरा फ्रेम निकाल दिया यहाँ से, फ्रेम आउट कर दिया, ये फ्रेम आउट कर दिया। अब सब निकाल के आपको दिखाते हैं कि उसके बाद कैसे जुड़ेगा, इतनी प्रॉब्लम आ रही थी जोड़ने में, फाइनली जस्सी ने कर ही दिया। तो ऐसी हालत होगी कि डुकाटी में बात करके पता चला कि ये पूरा फ्रेम खोलना पड़ेगा। हमने पूरा फ्रेम खोल दिया ताकि ये हीट शील्ड कवर फिक्स हो जाए। यूट्यूब पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जो बता सके कि कैसे फिक्स करना, तो मैंने सोचा मैं ही वो इंसान बनता हूँ जो जो डुकाटी वालों को बताएगा कि ये इसके ऊपर का कवर कैसे फिक्स होता है। तो सब फ्रेम पूरा यहाँ से 4 जॉइंट है, एक यहाँ पे जॉइंट था, एक यहाँ है, 2 नीचे, दोनों खोल दिए ताकि यहाँ काम करने का स्पेस बन जाए। इन नट्स के नीचे अटकता है वो, और कोई तरीका नहीं आप इसको डाल सको। जितने मैकेनिक आपको जो बोलना है वो समझते रहें, बट ये सिर्फ तभी खुलेगा जब सब फ्रेम खुलेगा। तो पूरा सब फ्रेम खोल दिया, आप जगह पूरी की पूरी डुकाटी पीछे खोल रखी है हमने, और अब इसको जोड़ते हैं और फाइनली इसको ऑन करते हैं। बहुत टाइम हो गया, नए साल की शुरुआत हुई नहीं अब तक। तो जिन जिनको पता नहीं है, ये तार जाती है जो फ्यूल में जुड़ती है, ये वायर इसके नीचे जाएगी और यहाँ पे कनेक्ट होगी। ये अंडर शील्ड कनेक्ट करने के लिए आपको सब फ्रेम खोलना पड़ता है। सब फ्रेम खोल के एक ये बटन है, एक इसके नीचे, जो नीचे से अगर आप देखो ये वाले जो 2 हैं ये फिट नहीं आते आगे, इसलिए इनको सब फ्रेम खोल के ही जोड़ना पड़ता है। सिमिलरली उस साइड पर भी 2 ऐसे सेम बटन है, जो ये रहे ये वाला और ये इसके नीचे वाला, ये इनको टाइट करेंगे। उसके बाद हीट शील्ड दोबारा खोलनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी, यहाँ स्पेस नहीं थी, बच गया। तो ये अब इसके साथ ऐसे जॉइंट होगा और फिर साइड वाला दोबारा जोड़ के इस पूरे महकमे को फिर से जोड़ेंगे। तो गाइस बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये भी फाइनली जोड़ दिया हमने, उसका वो निकाल के। और अब ये देखो ये कार्बन फाइबर का लुक आ रहा है ऐसा यहाँ से, और कल इसमें टैंक जोड़ेंगे, पीछे सीट जोड़ेंगे, साइड फेयरिंग जोड़ेंगे। व्हाट्स अप गाइस, आज का अपडेट ये है कि शील्ड कवर जोड़ दिया है।
अगर आप ध्यान से देखो इसमें ये ऐसे चार नट आते हैं, एक दो तीन, ये दो नट जुड़ नहीं रहे हैं क्योंकि जब ये लेके गए थे थोड़ा सा टूट गया था, यहाँ से आप देख रहे हो अभी भी क्रैक है, तो उसकी वजह से ये अलाइन नहीं हो पा रहे, बट टाइट हो गया, खुलना नहीं चाहिए। अभी ये दो मेन नट बचे हैं टैंक वाले, इसके नीचे मेन जो केबल है वो जोड़ दिए, ये फ्यूल वाला हमने यहाँ पे जोड़ दिया, इसको टाइट करना है। उस तरफ पे पानी वाला जो लीकेज रहता है वो जोड़ दिया, ये मेन जोड़ दिया। अब मेन चीज़ क्या होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी यूट्यूब पे, मुझे ऐसी वीडियो नहीं मिली जो समझा पाए कि ये कैसे जोड़ना है। तो भाई इसको जोड़ने के लिए ये जो दो मेन नट हैं उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा सब फ्रेम खोलना पड़ता है, बिकॉज बिना सब फ्रेम खोले आप इसको नहीं जोड़ सकते हो। एंड सिंस मैं खुद अपनी बाइक पे काम कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी। खासकर इसके बीच वाला जो नट है वो स्टारलिंग एलन की से ही खुलेगा, अदरवाइज वो स्लिप मार जाता है। और ये मेन फ्यूल कनेक्शन है जो टैंक में जुड़ता है, और उस तरफ पे पाइप का है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि भाई इसको जोड़ने के लिए आपको सब फ्रेम खोलना ही खोलना है। उसके अलावा अगर आपको कोई बोलता है कि मैं उसके बिना कर दूंगा तो भाई वो आपकी बाइक को प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। और इसको लगाने के लिए यहाँ पे एक नट आता है जो इसकी मेन बॉडी में घुसता है, ये देख रहे हो, ये इसमें घुसा हुआ है इसके अंदर, जिससे इसको स्टेबल भी रखता है। थोड़ा बहुत ही अनस्टेबल है बिकॉज मेन वॉशर भी घूम गया था, उसके जगह हमने जुगाड़ किया। तो ये मेन रेयर सेट जो है, जो फुट रेस्ट का सेट है, ये पूरा यहाँ से लूज़ होता है। एक ये बटन है, एक ये बटन है, और एक ये वाला है, तो वो खोल के ही ये पूरा बाहर आता है। तो वो बाहर आने के बाद ही आप इसमें काम कर सकते हो, बिकॉज आपको स्पेस तभी मिलती है क्योंकि इसके पीछे नट है, ये देख रहे हो। तो ये सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए ये चीज़ बाहर निकालनी बहुत ज़रूरी है। पर मेन प्रॉब्लम वही आती है कि जो चीज़ आप निकालो उसको याद रखना कि यार उसका नट कौन सा था। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप काम कर रहे हो अपनी बाइक पर, तो खुद से या तो वीडियो बना लो जिस टाइम पे खोल रहे हो, ताकि आपको उसी को देख के रेफरेंस मिलता रहे कि कौन सा नट कहाँ है और कहाँ लगना चाहिए। तो इस साइड के दो थे, कि अर्थिंग का केबल लगता है टैंक के अंदर, और दूसरे ये दो वायरें लगी हैं जो हमने क्लिप कर ली हैं वापस से, ये एक फ्यूल की पानी वाली वायर है और दूसरी वाली वायर है। तो ये भी थोड़ा निकल रहा है, पर इस ये बॉडी पे चिपक जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी ये वाला और वो वाला नट अलाइन करना है, पीछे के दो नट, ये दो नट बंद करने हैं, और उसके बाद बैटरी कनेक्ट करके इसको ट्राई करते हैं कि ये जो अप मैप है इसमें नया कोई मैप आया है नहीं आया। फिर टेल सेक्शन हम बाद में जोड़ेंगे, पहले मैंने सोचा था सीट जोड़ता हूँ इसमें पिलियन के लिए, बट नहीं भाई, नहीं जोड़नी, कोनो पिलियन ना बिठाना इस पर। तो भाई ये ऐसे इसका कोई डायनेमिक रहता है। और इस तरफ से भी अगर आप समझें तो इसके अंदर मेन ओलेंस की केबल आती है, और ये सस्पेंशन केबल जो एग्जॉस्ट में जा रही है। तो इसका क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये घुसेगा ही नहीं जब तक आप फ्रेम नहीं खोलते भाई। मैं आपको बिल्कुल मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से खुद अपनी बाइक पर काम कर रहा हूँ। ये नहीं जुड़ेगा जब तक आप नहीं खोलते, डाउट ही मत रखना, क्योंकि ये सस्पेंशन की वजह से स्पेस नहीं है काम करने की। और दूसरा ये भी हम चेंज करने का सोच रहे हैं, स्प्रॉकेट कवर, फ्रंट स्प्रॉकेट कवर कार्बन फाइबर का, इसके ऊपर भी कार्बन फाइबर लगाएंगे, उस साइड भी कार्बन फाइबर लगाएंगे। ओरिजिनल पार्ट्स मंगा रहे हैं हम कार्बन फाइबर के, जैसे ये टाइटेनियम कार्बन फाइबर लगा हुआ है। उसके बाद जाके और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन प्लान है, बट धीरे धीरे करेंगे, अभी थोड़ा समझ आ गया कि क्या करना है कैसे करना है। तो ये दो नट टाइट करते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हमने साइड फेयरिंग जोड़ दी, बहुत सारे नट हैं इसमें, तो जिसको डाउट आता है फ़ोन करके पूछ लेना कौन सा नट कहाँ जाएगा। ये सारी साइड फेयरिंग जोड़ दी, ऊपर का जोड़ दिया, ये वाला पैनल का पोर्शन रह गया, और दूसरी साइड का जोड़ दिया। बस ये जोड़ के टैंक कवर जोड़ना, और भाई तैयार है, ऑन करके हमने चेक कर ली थी, आप लोगों को चेक कराएंगे। बस टैंक के दो नट टाइट करने, टैंक का प्लेट आएगा, सीट आएगा, और दे 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 दे। तो गाइस फाइनली हमने पूरी की पूरी डुकाटी फिर से जोड़ दी है, और मैं बताना चाहूँगा आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। भाई एक चीज़ रखना और चीज़ को पूरी खोल के समझना एक अलग चीज़ है, और बहुत ही क्रेजी लुक दे रहा है कार्बन डिप। ये देखो पीछे का भी, साइड का भी, बहुत ही मस्त लग रहा है। ये वाला कार्बन फाइबर है ओरिजिनल, ये हाइड्रो डिप करा है मेरे को, बाकी लोगों की तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है कि भाई एक्चुअल कार्बन फाइबर है, इसको हमने हाइड्रो डिप करा है, पर लुक अच्छा दे रहा है। और इस साइड से भी पूरा जोड़ दिया, एक दो जगह पे नट कम पड़ रहे हैं, इसलिए हम आराम से चलाएंगे और चेक करते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वेरियंट मैनुअल फॉर, फाइनली हमने डुकाटी V4 स्पैनिंग कैलिपर को पूरा जोड़ दिया है। देखो बहुत सारे मोटो व्लॉगर अपने बनते होंगे कि हम मोटो व्लॉगर हैं, ये है वो है, बट मैं बताना चाहूँगा कि जब तक तुमने अपनी बाइक को खुद नहीं खोला और खुद नहीं जोड़ा, और वो तुमने देखा नहीं कि भाई जो मैं बता रहा, एक ऐसी अकम्पलिशमेंट हुई है ना आज मेरे को, इतना मुझे खुशी हो रही है कि भाई मैंने पूरी बाइक खुद खोल के सारे पार्ट्स खुद फिट करके दोबारा जोड़ा है, एंड इट हैज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। एंड भाई और जो अपने आप को मोटो व्लॉगर बनते ना, एक बार करके देख लो,
दुकान जाके तो कोई भी खोल लेता है, दुकान जाके तो कोई भी काम करवा रहा है। तो खुद जब तक भाई पे काम करोगे ना तब समझ आएगा। इसलिए मेरे को पता चल रहा है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है। जैरेड कैंपीजी ब्लॉगर्स जो हैं खुद काम करते हैं अपनी अपनी बाइक पे, बिल्ड सीरीज बनाते हैं, वैसा कंटेंट मैं तुम्हें दूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हें कैसा छपरी कंटेंट पसंद है नहीं है, मैं कंटेंट दूंगा इस प्रकार का कि भाई खोलना कैसे है। भाई तुम मानोगे मैंने पूरी डुकाटी की इतनी वीडियोस देखी ना, सिर्फ एक पार्ट के चक्कर में हीट शील्ड कैसे लगना है। पूरे यूट्यूब पे एक वीडियो नहीं जो मुझे ढंग से समझा पाए कि वो खुलना कैसे है कैसे, और मैंने डिटेल वीडियो बनाई है सो दैट मेरे बाद अगर कोई बंदा डुकाटी लेता है और वो अपने उस पर काम करना चाहता है तो उसे एक एक चीज़ समझ आएगी मेरी वीडियो के माध्यम से कि भाई ये पॉइंट है, इससे ये जाएगा, ये नट यहाँ लगेगा, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, और मैं वो टाइप का कॉन्टेंट देता हूँ। तो गाइज़ एक बहुत ही अच्छी खुशी की बात, डुकाटी जुड़ गई है, जो अब इस पर बाकी सारे काम होने वो सारे भी हम खुद ही करेंगे। तो देखो बस उसके बाद काम होगा इसका। इसके भी विंगलेट्स आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ डुकाटी के विंगलेट्स आ रहे हैं, यामाहा के विंगलेट्स आ रहे हैं, और उसके बाद इंडिया में एक लौती ऐसी बाइक होगी जो उस लेवल पे होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। टेक केयर, पीस आउट, बैन अल्फा, कीप सब्सक्राइबिंग। ज़्यादा मत खेलना, गुस्सा हो जाएगी।